अपना भारत मोर्चा के संयोजक एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि केंद्र की सरकार महापूंजीपतियों की दलाल के रूप में काम कर रही है। सरकार ब्यूरोक्रेसी और धन्ना सेठों का यह गठबंधन आम जनता की समझ में आ चुका है। डॉक्टर तंवर वीरवार को अपने सिरसा हुड्डा स्थित निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कोविड के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा देते हुए उनकी इस बात के लिए तारीफ की। उन्होंने कोरोना काल में सरकार की बद इंतजामी और प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया। डॉक्टर तंवर ने कहा कि अपना भारत मोर्चा के सहयोगियों ने पूरे प्रदेश में कोरोना काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि जन प्रतिनिधि नदारद रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और गांव में इसका कहर बरप रहा है। एक एक गांव में 20-25 लोग कोरोना संक्रमित हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री यह बयान दे रहे हैं कि धीरे धीरे कोरोना की दवा देंगे। डॉक्टर तंवर ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर विवेकहीन व संवेदनहीन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारों की गलतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वहीं कीमती जाने जा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों को मारने का ठेका ले लिया है। किसानों के धरने का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आखिर किसानों के धैर्य की परीक्षा कितनी लेगी। जब किसान काले कानूनों को नहीं मानते तो इन्हें वापस ले लेना चाहिए। डॉक्टर तंवर ने अपना भारत मोर्चा द्वारा सैनिटाइजेशन व फ्री मास्क वितरण अभियान को अपने निवास से शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में भी इस तरह का अभियान चलाया गया। उन्होंने इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल के सिरसा हुड्डा स्थित निवास पर स्वयं सैनिटाइजेशन किया। इस दौरान डॉक्टर तंवर ने कहा कि सिरसा की सांसद को कोरोना से डर लगता है, इसी कारण वे सिरसा आने से बच रही हैं। जन प्रतिनिधि को चाहिए कि वे जनता के बीच में रहें। सैनिटाइज अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं कॉलोनी में घूमता भी हूँ, सुबह शाम जाते हैं और लोगों से भी बातचीत होती है। बहुत तरह की समस्या कोरोना से संबंधित, जो वैक्सीनेशन की भी दिक्कत है, सैनिटाइज की भी है, यहाँ की थोड़ा सा कॉलोनी में गुंडागर्दी भी है, व्यवस्था कई तरह की फैली हुई है। और आज उसी को सैनिटाइज करते हुए यहाँ के जो सांसद हैं जिनके गुमशुदा की तलाश में लोग निकले हुए हैं, तो उनके घर को भी सैनिटाइज किया। अब दिमाग तो सैनिटाइज जनता करेगी समय पर, लेकिन उनका घर कर दिया था कि आकर के वो जिन लोगों का वोट उन्होंने लिया है उनके सुख दुख में शामिल होकर के और उनकी जो तकलीफ है उसको समझते हुए उसका निराकरण कर सके। क्या करेंगे डॉक्टर साहब, केंद्र में बीजेपी की सरकार, स्टेट में बीजेपी की सरकार, मंत्री सत्ता की, लेकिन सैनिटाइजर गुड्डा को नहीं हो पाया? ये तो आप पता ही है सारा, ना वैक्सीन है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन।